जनपद मैनपुरी के करहल नगर पंचायत में चेयरमैन अब्दुल नईम के विकास कार्य दबंगों को रास नहीं आ रहे। दबंग आए दिन नगरवासियों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। आज करहल के गुलाब बाजार व तमाम मोहल्लों में अलख सुबह अचानक जलभराव की स्थिति देख नागरिक चौंके हैं। जलभराव के से बाजार की दुकानों एवं घरों से निकलने में दुकानदारों व नागरिकों को खासी परेशानी उठानी पड़ी है। नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल नईम ने मौके पर पहुंचकर जल भराव की स्थिति का निरीक्षण किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष संदीप रायल के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक दुकानदारों ने उप जिलाधिकारी नीरज कुमार द्विवेदी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह से तहसील मुख्यालय पहुँच मुलाकात की एवं जल भराव की स्थिति से अवगत कराया। नगर में अधिकांश व्यापारियों ने नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था पर संतोष जताया, लेकिन नगर से बाहर गंदे पानी की निकासी की सुनिश्चित व्यवस्था न होने से एवं दबंगों द्वारा करहल रजवाहा साइफन को बंद कराकर समस्या का मूल कारण बताया। कदम उठाने की मांग की उप जिलाधिकारी नीरज कुमार द्विवेदी पुलिस क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह ने तत्काल कदम उठाए जाने का व्यापारियों का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने असफल साप्ताहिक बंदी एवं बाजार में बढ़ते अवैध अतिक्रमण पर नाराजगी जताते हुए व्यापार मंडल अध्यक्ष से स्वयं तत्काल कदम उठाने की बात की है। इस दौरान अध्यक्ष अब्दुल नईम और व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों के साथ नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल नईम साथ में मौजूद रहे। संवाददाता राम किशोर वर्मा की खास रिपोर्ट। एक्चुअली इन लोगों का जो अभी व्यापार मंडल आया था, इनका कहना है कि बाजार में जो है जो गंदे नाले से पानी निकलता है वो पूरे मार्केट में भर गया है, उसके निकासी की समस्या है। तो अभी आज इन लोगों ने संज्ञान में लाया है और आज और कल में इसको देख के सर्वे करके और निकासी की व्यवस्था करते हैं। बता रहे हैं कहीं नाला बंद है उसको भी खुलवा देते हैं, जिससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, आपने भी बाजार में अतिक्रमण को लेकर के बात रखी है व्यापारी से, वो क्या मामला है सर? मामला ये है कि जो तहसील के सामने से जो रास्ता जाता है, इस पे जो दुकानें हैं, दुकानें थोड़ा सा बाहर निकल के लगती हैं, जिसके वजह से पब्लिक को आने जाने में समस्या हो रही है। हमारा कहना ये था कि इसका समाधान निकाल लें और अपने दुकान के अंदर ही अपना सामान रखें, ताकि पब्लिक को आने जाने में समस्या का सामना न करना। बाजार बंदी को लेकर आपने बात रखी? बाजार बंदी की बात व्यापारियों ने किया है कि सप्ताह में एक दिन बंद रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा बता रहे हैं कि शासनादेश है और अगर ऐसा है तो इसका भी अनुपालन कराया जाएगा। देखिए, आज आप तमाम व्यापारियों के साथ यहाँ पर तहसील मुख्यालय पर आए, क्या है समस्या? ऐसा है, करहल की गलियों मुख्य बाजार में पानी जलभराव की समस्या हो रही है। लोगों से जब पता किया है तो पता चला है कि जो नाले की निकासी है, प्रमुख नाले की, उसको अवरुद्ध कर रखा गया है किन्हीं कारणों से, किन्हीं लोगों की वजह से। इससे प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि व्यवस्था सुचारू चालू कराए। क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि नाला खुल जाए, उसकी जो अच्छा नगर में जल भराव, इसके लिए क्या नगर पंचायत को दोषी मान रहे हैं या ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है? नगर नालियों की देखिए अच्छी सफाई है, सड़कों की बेहतर सफाई है। नगर पंचायत की तरफ से हम संपूर्ण संतुष्ट है, जितना संभव है वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब चूंकि नाला ही आगे से उनका कहना है, हम इसलिए चेयरमैन साहब भी हमारे साथ आए। करहल रजवाहा मोहम्मदपुर नगरिया, मोहम्मदपुर नगरिया की जो निकासी है उस पर बताते हैं कुछ लोगों ने अपना अवरुद्ध कर रखा है जी, तो उस पर हम प्रशासन के पास आए हैं कि साहब इसको व्यवस्था को जो भी है सुचारू किया जाए, इससे लोगों को, आम नागरिकों को जो समस्याएं हैं वो जल भराव की समस्या से मुक्ति। थैंक यू सर। जल भराव की समस्या तत्काल प्रभाव से हो गई है। वो जल भराव की समस्या इसलिए हो गई, करहल नगर पंचायत की सीमा से बाहर एक करहल रजवा है जी, उस रजवा के नीचे सैफिन है, सैफिन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। कुछ दबंग टाइप के लोग हैं, उन्होंने बंद कर दिया गया है। इस वो सैफिन बंद होने से पूरा तरह नगर में जो मुख्य मार्ग है, गुलाब बाजार और गजरिया है, सदर बाजार है, उसमें जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही और देवी रोड पूरी तरह जल में। क्या मांग है आपकी? अब हमारी उप जिलाधिकारी महोदय से ये मांग है कि उसे तत्काल प्रवास खुलवाया जाए और राजपुर तक अनवरत जल निकास की व्यवस्था सुनिश्चित हो। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।